ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रकारी भानु शशी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु क्रूर ग्रह शांति करा भवन्तु नव ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से मिथुन राशि वालों के लिए क्या स्थिति उत्पन्न कर रहा है वो आपको समझना चाहिए। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य इन दिनों मेष वृषभ मीन राशि में विद्यमान थे, राहु के साथ थे, दशम भाव में विराजमान थे। दशम भाव सफलता का भाव माना जाता है, दशम भाव पिता का भाव माना जाता है, सम्मान का भाव माना जाता है। राहु के साथ वहाँ विराजमान होकर अनहोनी का योग सूर्य बनाते दिखाई दे रहे थे। वो तो देव कृपा से आपके राशि के अनुसार से बाकी ग्रहों ने आपके लिए लाभ की स्थिति बना के रखी और बहुत सारी स्थितियों से बिगट स्थितियों से बचा के रखने का प्रयास किया। शनि महाराज स्वयं भाग्य में विराजमान थे और भाग्य में स्वग्रही होकर विराजमान थे, ये भाग्य से रक्षा करने के योग बना रहे थे। लेकिन सूर्य राहु ने जिस प्रकार की स्थिति बना रखी थी, बहुत सारी चीज़ों को जिस लेवल में लाभ देने की स्थिति थी वो नहीं देने दी राहु ने महाराज। लेकिन चिंता ना करें, अब 13 अप्रैल को सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो पूर्ण शक्ति में आ जाता है और सूर्य आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो पराक्रम के स्वामी है, पार्टनर के स्वामी है, बुद्धि के विचारों के स्वामी है, साहस के स्वामी है। और ऐसे में सूर्य जो है वो लाभ वाले स्थान में बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और एक सुंदर योग ये बना हुआ है कि इस वक्त भाग्य में उपस्थित शनि महाराज अपने जो पक्का घर है उस पर दृष्टि डाल रखे हैं और वहाँ बृहस्पति पहले से विराजमान है और सूर्य जब किसी ग्रह के साथ आते हैं तो उसको अस्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य बृहस्पति को अस्त नहीं कर पाएंगे जब तक मेष राशि में चलेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। लाभ में सूर्य उच्च के, बृहस्पति वहाँ लाभ देने के लिए पूरी तरह से ताकत में, शनि की पूर्ण दृष्टि एकादशवें भाव पे, तो ये आपके लिए ओवरऑल स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सुंदर दिखाई देती है। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए एक समस्या ये है कि उनके खुद के स्वामी जो है ना बुध जो है वो नीच राशि में चल रहे हैं और वो उनको शक्ति देने की जरूरत पड़ेगी। बुद्धि, व्यावसायिक बुद्धि, व्यवसायिक बुद्धि के जो स्वामी हैं वो विशेष तौर पर अंधकार में है, इस वक्त राहु के साथ में है। और व्यवसायिक बुद्धि जब अंधकार में होती है तो व्यक्ति गलत रास्तों में पड़ जाता है। अगर आप सीधे रास्ते चले, धर्म के रास्ते पे चले, बिल्कुल स्वार्थ इस बात का ध्यान रखो कि सही रास्ते पे चले, सीधा धर्मयुक्त कार्य किया तो ये सूर्य आपके भाग्य जगा देगा। लेकिन व्यवसायिक बुद्धि के स्वामी बुध जो हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो राहु के साथ इस वक्त फंसे हुए हैं, शुक्र के साथ। आप नीति कुनीति इन सब को अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है भैया। इस बात का यदि ध्यान नहीं रखा तो ये ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सही रास्ते पर चलकर लाभ की स्थिति उत्पन्न करनी है और तभी आपको लाभ होगा। विशेष तौर पर संतान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य यहाँ पर विराजमान होकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और यदि आपने कोई गलत कार्य से, और आमतौर पर जब आमतौर पर लोग कह देते हैं कि भैया सीधी तरह से उंगली तो निकलने वाला घी निकलने वाले, थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी, टेढ़ी करें, युक्ति का सहारा लें, कुनीति का सहारा मत लीजिएगा, फरेब मत कीजिएगा, झूठ का सहारा मत लीजिएगा। ये स्थिति सूर्य लाभ के, जो राजा हैं सूर्य, झूठ से बिल्कुल नफरत है उनको, पाप से बिल्कुल नफरत है, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। शनि की जो कार्य स्थिति थी उसके कारण से सूर्य का रोष उत्पन्न हुआ ना, तो आप धर्मयुक्त कार्य करते हुए कार्य कर लीजिए। ये समय आपका धर्मयुक्त कार्य करने का है और देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से ये सूर्य का बृहस्पति के साथ युति, जब सही तरह से काम बनने के योग बन रहे हैं तो बिल्कुल कोई लाख आपको एडवाइस देने का प्रयास करें कि हम ऐसा ऐसा कार्य कर लेते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करें, फंस जाएंगे। सूर्य आपके लिए लाभ देने के लिए गारंटी दे रहा है। इस वक्त सूर्य का ये परिवर्तन 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक जो यहाँ बना हुआ है, ये बहुत सुंदर आपके लिए लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में 1 मई को बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा और उस वक्त ध्यान रखिएगा, 1 मई के बाद, 1 मई के बाद बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे और आपके नुकसान वाले भाव, विशेष तौर पर जहाँ 12वां भाव है नुकसान वाला भाव, वहाँ चले जाएंगे। तो यानी सूर्य के परिवर्तन का जो ये बाद वाला 1 मई के बाद वाला फैक्टर होगा, वहाँ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। उसका जो गलत रास्ते पे जाकर अननेसेसरी के हम नेगेटिव रास्तों से काम करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको नुकसान होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो यदि हमने आपको सही डायरेक्शन देने का प्रयास किया है, आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योग बताया है वो आपको समझाने का प्रयास किया है, नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल दें, भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ग्रह स्थिति आपके लिए क्या कुछ करने जा रही है ये आपने समझा, इसके अनुसार से कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा।
क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से बाल्यकाल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्री, हजारों जन्मपत्री, लाखों जन्मपत्री देखे हैं, और बहुत सारे लोग यही बात आगे कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियाँ कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वो दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोग को समाप्त कर दिया। उसका उपचार सही समय पर कर ले, जैसे किमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है, तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के क्या 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है, लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं है। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है, और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको किमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आए, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये उपयोग, ये प्रैक्टिकल उपाय है, इसको आप उपाय कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखो क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए, ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझ कर, विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को, योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझ कर, उनकी दशाओं को, अंतर दशाओं को समझ कर यदि कार्य किए जाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफ़ी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है। और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और आपके अपने अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं, यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बर जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पर प्रतिष्ठित की गई है। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य, माँ भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो हैं कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं, लोग कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में 8-8, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब जन्म एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं ना मालाएं पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो भैया हमने कहा देखिए हम तो इसी प्रकार से सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि होड़ लगी हुई है लोगों में, वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने 4 पहन रखी है तो मैं 8 क्यों ना पहनूँ, इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग। लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है शास्त्र के सम्मत हैं उस पे बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं, आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर, सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पे उपस्थित रहा और बहुत समय समय पर रहता भी हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पे सत्य को, ज्ञान को, शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
आइए विवेकानंद योग आश्रम में, हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़ें, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सब का अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जब ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा। हमेशा ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदार चलाते हैं कि जरूरत नहीं है आपको लाखों रुपये के उस पुखराज पत्थर को पहनने की, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे। कहा जाता है प्रपन्न पारिजाता है तोत्र वेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीता मृत्युए नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था इसी ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति, और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर के विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100-100 टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं जमीन के अंदर डाल देते हैं। जमीन के अंदर डालते हो तो जमीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति और उसके बाद आपने उसको जमीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, जमीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें, आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।